No, मैं पिल्लू पिल्ली मन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. दो ही स्टूडेंट्स हैं. बेटा लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? सर 1.4 में कौन सा कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया अपन ने? सर 6 चलेगा. क्वेश्चन नंबर 6 है ना? यस सर. देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं. तो आपको पहले यहां पे नोट करना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सही उत्तर के लिए कितने अंक? 3 अंक दिए जाते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है गलत उत्तर के लिए क्या करा गया उसमें, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस के 2 अंक, यानी सही उत्तर के लिए प्लस के 3 अंक और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं. ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है ना. क्वेश्चन में ये है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस के 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं. किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर, यानी कोई अगर किसी प्रश्न को हल न करने पर
कोई अंक नहीं दिया जाएगा किसी प्रश्न को हल न करने पर। अगर कोई सा भी कोई अगर किसी भी एक प्रश्न को अगर कोई हल नहीं करेगा तो उसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये उसका क्या है, स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि एक टेस्ट के अंदर जो सही आंसर है उसके लिए प्लस के 3 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल नहीं करते हैं तो उसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख चेक करो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी उसने उसको टोटल कितने अंक मिले हैं? 20 अंक मिले हैं। टोटल कितने अंक मिले हैं उसको? 20 अंक मिले हैं। और 20 अंक कैसे मिले हैं? उसने टोटल 12 क्वेश्चन तो क्या किए हैं, सही किए हैं। अब कितने गलत क्वेश्चन किए हैं उसने, तो आपको क्या बताना है, जो क्वेश्चन उसने गलत किए हैं उनकी संख्या बतानी है। ठीक है। अब वो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि सही उत्तर के लिए, क्या लिखोगे यहाँ पे, सही उत्तर के, सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक, प्लस का 3 अंक मिलता है। तो यहां से जो राधिका है, कौन है, राधिका को 20 अंक मिले, 20 अंक मिले, जिसमें से 12 प्रश्न, सर क्लियर नहीं दिख रहा अब, जिसमें से 12 प्रश्न क्या है, सही है। तो सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक, अब बताओ एक बार उसको टोटल कितने अंक मिले हैं? 20 अंक मिले हैं। 20 अंक में कैसे मिले, उसके 12 प्रश्न क्या हो गए, सही हो गए। तो सही 12 प्रश्न हुए, तो टोटल कितने अंक हो गए इसके, एक प्रश्न के 3 अंक, एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक प्रश्न के 3 अंक मिल गए उसको। उसने कितने प्रश्न सही किए, 12, तो 12 × 3, तो यहाँ पे हो गए 36 अंक। ये 36 अंक मिल गए, टोटल 36 अंक मिले उसको, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या हो गए उसके, गलत भी हो गए। अब 12 क्वेश्चन तो क्या है उसके, सही है। अब उसको टोटल कितने अंक मिले, 20 अंक मिले। अब ये 36 अंक कौन से थे कि उसने सही उत्तर किए, लेकिन अब एक चीज ये देखना मेरे को बताना कि राधिका के गलत उत्तरों के अंक, राधिका के गलत उत्तरों के अंक, यानी टोटल 36 अंक, 36 में से सॉरी 20 अंक मिले, 20 में से जो प्रश्न सही है कितने प्रश्न सही है, 12 प्रश्न सही है, तो 12 प्रश्नों के कितने अंक हो गए, 36 अंक। तो उसको कितने अंक मिले, माइनस के 16 अंक, माइनस के 16 अंक। अब ये माइनस के 16 किसके हैं, गलत उत्तरों के लिए हैं। तो अब क्या बताना मेरे को, गलत उत्तरों की संख्या, क्या बताना यहां से, गलत उत्तरों की संख्या। अब बताओ एक बार कि एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक, माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, कितने अंक दिए जाते हैं, माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। तो यहां से गलत उत्तरों की संख्या क्या निकालनी है, आपको गलत उत्तरों की संख्या। तो गलत जो अंक है वो टोटल कितने हैं, माइनस के 16, एक प्रश्न तो 8, माइनस के 12, तो उसके कितने प्रश्न गलत हो गए, 8 प्रश्न क्या हो गए उसके, 8 प्रश्न
गलत गलत ठीक है। अब इसको अपनी नोटबुक में कैसे करोगे, अपने नोटबुक में कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया हुआ है, क्या लिखोगे यहाँ पे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर उसको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि राधिका को 20 अंक मिले हैं, राधिका को कितने अंक मिले हैं, 20 अंक मिले हैं, और ये 20 अंक कैसे मिले हैं, 12 प्रश्न सही है, तो 12 प्रश्नों के कितने अंक हो गए, 36 अंक हो गए। अब उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आपसे पूछा है, तो पहले क्या निकालोगे, गलत जो आंसर है उनके अंक निकालोगे, तो कितने अंक निकाले हैं, 16 अंक। अब ये 16 जो अंक है ये कितने प्रश्नों के हैं, कितने गलत प्रश्नों के हैं, अब एक गलत उत्तर के लिए माइनस का दो, तो यहाँ पे गलत उत्तरों की संख्या निकालोगे, तो ये जो मार्क्स है कौन से, माइनस के 16, ये किसके हैं, गलत जो उत्तर दिए हैं उनके अंक है, और एक प्रश्न गलत, एक गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न का जो अंक है वो कितना है, 2 है, तो 16 को 2 से क्या करोगे डिवाइड, तो टोटल कितने हो गए, 8 प्रश्न क्या है उसके गलत है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, जो मोहिनी है, मोहिनी ने 5 अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंक, 5 अंक प्राप्त किए हैं, 5 अंक प्राप्त किए हैं मोहिनी ने, 5 अंक प्राप्त किए हैं, और ये 5 अंक प्राप्त कब किए हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही है, जबकि 7 प्रश्न क्या है उसके, 7 प्रश्न क्या है सर, अब 7 प्रश्न, 7 सर, यस सर, मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त किए थे, मोहिनी ने -5, अच्छा सॉरी -5 अंक प्राप्त किए हैं, मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त किए हैं, तो 7 प्रश्नों के 7 प्रश्न सही है, कितने प्रश्न सही है, 7 प्रश्न सही है। अब 7 प्रश्न सही है तो 7 प्रश्नों के अंक कितने हो गए, 7 × 3 कितने हो गए, 21 अंक, कितने हो गए, 21 अंक। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, उसने गलत दिया, तो मेरे को एक चीज बताना, मोहिनी को कितने अंक मिले, -5, -5। अब सुनो, सही 7 सही प्रश्न है, क्या है, 7 सही प्रश्न है, तो 7 अंकों के कितने अंक हो गए, 21। अब जो उसको अंक मिले हैं उस अंकों में से -21 है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो उसको टोटल कितने अंक मिले, -26 अंक, कितने अंक मिले उसको, -26 अंक। अब ये माइनस के जो 26 अंक है, माइनस के 26 अंक है, अब एक्सक्यूज मी सर, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा सर, हम अभी नहीं आया समझ में, देखो सबसे पहले सर आ गया समझ में, इधर देखो एक बार बोर्ड के ऊपर देखो, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त किए, मोहिनी ने कितने अंक प्राप्त किए, -5, 7 प्रश्न सही है, तो 7 प्रश्न सही है, तो एक सही प्रश्न के अंक कितने हैं, एक सही प्रश्न के अंक कितने हैं, प्लस के तीन, 7 जो प्रश्न सही है उनके अंक कितने हो गए, 21। अब उसने ये पूछा है कि उसने कितने गलत आंसर किए, उसने कितने गलत आंसर दिए, तो वो निकालना है, तो जो टोटल अंक मिले हैं उसको, उसको कितने अंक मिले हैं, -5 में से क्या माइनस कर दोगे, जो उसने 7 सही प्रश्न, माइनस कर दोगे, तो -5 और -21 कितने हुए, -26 अंक। अब उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए, यानी एक गलत क्वेश्चन के लिए, एक गलत
प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं? एक गलत प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं? एक गलत प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं सर? टू माइनस के दो। कितने मिलते हैं? माइनस के दो। माइनस के दो। तो आपको क्या निकालना है? गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। तो जो उसको अंक मिले हैं माइनस की 26, तो माइनस की 26 को किससे डिवाइड करोगे? माइनस के सर टू। ये माइनस का 26 कौन सा है? कौन सा है? एक तो जो उसने जो अंक मिले हैं वो, और जो 7% सही है उनके अंकों का सबट्रैक्ट कितना है? माइनस का 26 है। तो टोटल अंक कितने हो गए? माइनस के 26 हो गए। अब एक गलत उत्तर के लिए कितने हैं? माइनस के दो है। तो बताओ यहां से उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं? 13। सब क्या गया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। नोट कर लिया क्या सबने? नोट कर लिया सर। कर रहे हैं सर, हमने तो कर लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार आपको पढ़ना होगा, फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको नोट करना होगा, और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना होगा अपने को, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो आपका यूनिटरी मेथड है, यानी एक एक नियम, वो भी आपका यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक उत्पाक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। देखो एक बार क्वेश्चन को आराम से एक बार नहीं दो बार पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति घंटे प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमि ताल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। तो सुनो एक बात, सबसे पहले नीचे जाना भूमि से कहां से शुरू होता है? 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। इसका एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जैसे ये आपका क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है वो, यहां से नहीं, जैसे ये है आपका, तो 10 मीटर ऊपर से, तो ये है आपका 10 मीटर, ये क्या है आपका 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर, यहां से वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये 10 मीटर ऊपर हो गया। अब कहां जा रहा है वो? 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है, तो ये तो बाद की बात है। अब सुनो एक बार, तो वह -350 मीटर पहुंचने में, अब सुनो एक बार, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो? 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट? क्वेश्चन को देखना एक बार, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 मीटर ऊपर से। कहां से स्टार्ट हो रहा है वो? 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब कहां तक पहुंच रहा है? यहां से स्टार्ट हो गया, अब वो कहां तक जा रहा है? 350 मीटर नीचे, 350 मीटर नीचे। इसका मतलब, और 350 मीटर कैसे? माइनस का 350 मीटर, माइनस का 350 मीटर नीचे जा रहा है वो, और ये क्या है वो, इस लेवल से क्या है वो, ऊपर है, ऊपर से 10, यानी सपोज करना जैसे ये आपकी छत है, क्या आपकी ये छत, ये आपकी छत है, इस छत के 10 मीटर ऊपर से, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है वो, यहां से स्टार्ट हो गया, ये हो गया आपका 10 मीटर, और फिर 10 मीटर के बाद में कहां तक जा रहा है वो? माइनस के 350 मीटर तक नीचे तक जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा उसने, कि उसको नीचे 350 मीटर नीचे पहुंचने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले तो एक कोई एक चीज ये करनी होगी कि खान कूपक द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या गई, क्या निकालोगे पहले यहां से? कुल तय की गई दूरी। अब सुनो एक बार,
10 मीटर ऊपर है तो ये हो गया आपका 10 मीटर। अब वो 10 मीटर नीचे आ रहा है इसका मतलब माइनस, नीचे आएगा तो माइनस और अप होगा तो क्या जाएगा वो प्लस में होगा। अब कितना नीचे आ रहा है माइनस का 350 मीटर, माइनस 350 मीटर क्या रहा है वो नीचे आ रहा है। तो बताओ एक बार 10 मीटर तो ये हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 350 मीटर। तो टोटल कितना दूरी हुआ 360 मीटर उसने कुल दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है 360 मीटर कुल दूरी उसने क्या करी है तय करी है। सबके ये समझ में आया कि नहीं आया ये 360 कैसे आया? सर आ गया सर, समझ में नहीं आया। नो सर नहीं आया, समझ में आ गया नहीं। अब आवाज नहीं सर नहीं आया मैं। एक चीज ये बताना मेरे को सबसे पहले वो यहां से स्टार्ट हो रहा है जैसे ये आपकी छत है। अब आप यहां पर खड़े हो एक बार देखो एक बार और इस जगह से आपकी छत कितनी मीटर ऊपर है 10 मीटर ऊपर है। जैसे ये आपका फर्श है, फर्श है क्या आपका ये ठीक है, इस फर्श से ये आपकी छत है और ये छत कितनी मीटर ऊंची है, छत कितनी मीटर ऊंची है 10 मीटर। अब आप एक बताना आप यहाँ पर यहाँ से शुरू होंगे चलना और नीचे जाओगे, आप यहाँ से शुरू होंगे यानी छत से चलोगे और नीचे बेसमेंट तक जाओगे। तो ये देखो एक बार ये तो हो गई आपकी छत और ये हो गया आपका फर्श आ गया तो टोटल दूरी कितनी हो गई 10 मीटर की दूरी। 10 मीटर की दूरी। अब आप नीचे क्या कर रहे हो अब यहां से इस पॉइंट से 350 मीटर नीचे जाओगे, कहां जाओगे 350 मीटर नीचे, हो गया माइनस का 350 मीटर। अब बताओ आपने यहां से लेकर के यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी, आपको क्या निकालना है टोटल दूरी निकालनी है तो क्या कर दोगे दोनों को प्लस कर दोगे। लेकिन अब दो एक बार यहां पर माइनस कैसे आया, वो पहले ऊपर जा रहा आप वो कहां पर खड़ा है इस जगह पे खड़ा है, वो यहां से देख रहा है इसकी ऊंचाई ऊपर से देख रहा है तो ऊपर से कहां आ रहा है वो नीचे आ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ अगर वो यहां से ऊपर जा रहा था तो अपन क्या करते यहाँ पे प्लस करते ठीक है ना। तो ये हो गई उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब नेक्स्ट देखो नीचे, अब एक मीटर दूरी किसमें, एक मीटर दूरी तय करने में समय। देखो ये तो क्या हो गई उसकी कुल दूरी हो गई एक मीटर तय करने में लगा समय। आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट, यानी एक मिनट में जो एक मिनट है उसमें 6 मीटर दूरी तय कर रहा हूं। एक मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है 6 मीटर दूरी तय कर रहा है ठीक है ना। एक मीटर में कितनी, एक मिनट में किसमें, एक मिनट में वन मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो 6 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि समय कितना लगेगा, तो बताओ एक बार ये जो दूरी है कौन सी 6 मीटर दूरी 6 मीटर तय करने में लगा समय 1 मिनट। अब आपको कितनी दूरी तय करनी है 1 मीटर में, लगा समय 1/6 मिनट और टोटल कितना है 360 मीटर तय करने में लगा समय 1/6 × 360 मिनट। तो देखो यहां से कितना हो गया ये 60 मिनट या 60 मिनट या फिर 1 घंटा। ये लो दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें एक बार
सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, दोबारा से देखो क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरी तरफ देखो एक बार सबके सब, ये क्या है अपना फर्श है, क्या आपका ये फर्श है। इस फर्श से 10 मीटर ऊपर से, यानी वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, ठीक है ना। यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक उसका जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर है, ऊपर से चल रहा है। अब ये उसका फर्श का लेवल आ गया, अब वो नीचे जाएगा और नीचे कितना जा रहा है, माइनस का 350 मीटर नीचे जा रहा है। यानी ऊपर से स्टार्ट होकर के नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है, यहां से कुल दूरी निकालनी है। अब ये कुल दूरी कैसे निकालोगे, 10 मीटर तो ये हो गया, कौन सा ये 10 मीटर हो गया। अब नीचे जा रहा है तो देखो एक बार, माइनस और माइनस का 350 मीटर, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो 10 माइनस इनटू माइनस क्या हो गया, प्लस 350 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 360 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई, 360 मीटर। अब सुनो क्वेश्चन में यह है कि 6 मीटर में, 6 मीटर चलेगा वो, और 6 मीटर चल करके, 6 मीटर चल करके, राहुल क्या बात हो रही है, 6 मीटर तय करने में लगा समय, यानी 6 मीटर चलेगा तो 6 मीटर में कितनी दूर में, 1 मिनट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 मीटर, यानी ये जो 1 मिनट है ये किसके लिए है, 6 मीटर के लिए है, तो 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/6 मिनट। अब आपके पास में कुल दूरी तय करेगा कितनी, 360, तो 360 मीटर में तय करने में कितना समय लगेगा, 1/6 × 360 कितना हो गया टोटल, ये 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। फटाफट नोट कर लो क्वेश्चन को, इसको सर कर लिया। ये देखो अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया आज, ठीक है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब ऐसे कोई स्टूडेंट जिसको चैप्टर नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया, कोई भी? सर हमें 9th क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन से चैप्टर का 9th क्वेश्चन बेटा? 1.3 में, 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9। चलो अभी देखते हैं उसको क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित करना है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 3 और फिर इनटू में, और यहाँ पे रिक्त स्थान है आपका, और यहाँ पर लिखा हुआ है 27। अब ये 27 किस में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि ये आपका LHS वाला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है आपका, RHS वाला पार्ट है। आपको क्या करना है कि LHS और RHS आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए बराबर। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा
ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 27 आ जाए, ऐसी कौन माइनस का 9, माइनस का 9 क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 9 क्यों, माइनस इनटू माइनस, माइनस इनटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया और 3 इनटू 9 कितना हुआ 27, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ से यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ओनली 12 है। अब ये 12 किस में है, प्लस में है माइनस में है, ये माइनस में है, किस में है माइनस में, और इसका जो आंसर कितना है 132 है। अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस का 32 आए, अब माइनस का 11, माइनस का 11 प्लस में कब आएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये नंबर में, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये नंबर में किस में होगा माइनस में होगा, माइनस का क्या होगा यहाँ से माइनस का 11, माइनस का 11, ठीक है। यस सर, यस सर। और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया सर, और सारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। आप सभी स्टूडेंट एक बार 5 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो, एक बार मैं इस चैप्टर का वापस से रिवीजन कर रहा हूँ, देखो जल्दी से, ठीक है ना, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, क्वेश्चन ये पूछेगा दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव प्राप्त होता है, पहला है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव रिक्त स्थान है प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक। अब आप धनात्मक पूर्णांक, वेरी गुड, मैंने बता रखा है कि ये आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है ना। अब सुनो एक बार, मैंने यहाँ पे क्या पूछा आपसे, योग पूछा है, तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ ना कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है ना। सेम अगर मैं बात करती एक तो ये बार बार है ना, राहुल क्या नाम बेटा आपका, अपना माइक ऑफ करो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक बार, मैंने यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा है, किसके लिए कहा मैंने यहाँ पे, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, मैं आपसे ये कहूंगा एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव प्राप्त होता है, बताओ क्या होगा, एक तो क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, इन दोनों को गुणा, यानी एक तो धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, इस टिक लगाने हैं, ठीक है ना। दूसरा है आपको पूर्णांक संख्याओं का योग करना, पूर्णांक संख्याओं का सेपरेट करना और पूर्णांक संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से जोड़ने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी
पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में से घटाने पर भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, और पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर भी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, और पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना? यस सर। ये है आपका चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर फर्स्ट फर्स्ट। अब मैं कल सबका वीडियो ऑन करवा करके चेक करूंगा, सबकी नोटबुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर, हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। हाँ बोलो। हैव अ नाइस डे सर। ठीक है, हैव अ नाइस डे भाई। हैव अ नाइस डे सर। ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए लेकिन अब, ठीक है ना सर? हमारा तो कंप्लीट है, शायद कर लेंगे। मैं कल वीडियो चेक ऑन करवाऊंगा आपका, और सबको वन बाय सबकी नोटबुक चेक करूंगा, देख किस किस ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर रखा है। और कंप्लीट है बस 9 क्वेश्चन और 1.4 ही नहीं है। 1.4 में केवल दो ही क्वेश्चन रहे थे, जो दोनों क्वेश्चन करवा दिए मैंने आज। ठीक है? यस सर। आपको कंप्लीट करने हैं एक्सरसाइज, चैप्टर कंप्लीट करना आपको। ठीक है सर।